अस्सलामुअलैकुम, टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से आपको अपडेट कर रहा हूँ कोलंबो में, जहाँ पर एशिया कप की हाइप जो है वो क्रिएट हुई हुई है। और यहाँ पर आज एक जो पार्क है उसमें कप की जो ट्रॉफी है उसको रखा गया है, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रश है। श्रीलंकन जो फैंस हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और पहुँचने के बाद ट्रॉफी के साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे हैं। और एशिया कप का फाइनल कल श्रीलंका और इंडिया के दरमियान खेला जाना है, जिसके लिए यहाँ पर एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर ट्रॉफी देखने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पिक्चर के खिंचवा रहे हैं, और साथ जो है वो एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे हैं। और श्रीलंकन फैंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि उनकी टीम आज यहाँ पर जीतेगी, और उनकी टीम जो है वो फाइनल में इंडिया को शिकस्त देगी, क्योंकि उनकी होप्स इस वजह से ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया है। तो श्रीलंका एक बड़े ज़बरदस्त नेल बाइटिंग कॉन्टेक्ट के बाद जीतने के बाद पहुंच रहा है यहाँ पे। दूसरी तरफ इंडिया जो हार के बाद पहुँच रहा है, ऑल दो उनके पास उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे टीम में, लेकिन उसके बावजूद हारती है तो टीम ही हारती है। तो इंडिया ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक की थी, जो कि बांग्लादेश ने उसको शिकस्त दे दी। तो अब जो कोलंबो का माहौल है उससे हम आपको आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पे एशिया कप के हवाले से जो उसका फाइनल है कल खेला जाना है, उसके लिए यहाँ पर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मुकामात पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बस भी चल रही है एशिया कप की, शहर में ट्रॉफी को भी मुख्तलिफ मुकामात पर ले जा के रखा जा रहा है। फैंस बहुत ज़्यादा जो श्रीलंका के हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ये ट्रॉफी जीतेंगे। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी फैंस हमें कुछ दिखाई दिए, तो अब वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्रीलंका जो है अब हम श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि श्रीलंका ने इंडिया के अगेंस्ट जो है श्रीलंकन फैंस ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या निकलते हैं। एशिया कप का फाइनल है, पाकिस्तान की टीम नहीं है लेकिन श्रीलंका और इंडिया की टीम है। देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है और क्या रिज़ल्ट निकलते हैं।